नमस्ते, आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। मैं हूं सोनाली। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी ऐलान। दी लंदन टॉप टीम और हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल चुके हैं जानने क्या हाल है यूपी और चुनावी मुद्दों से जुड़ी बातचीत। वीडियोस ब्लॉग्स देखने के लिए आप भी जुड़े उनसे उनके नए पते पर, जो है लंदन टॉप यूपी। हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्लिक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रेलर रिव्यू की ओर। सेक्स एजुकेशन एक ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज है, एक तरह का टीनेज ड्रामा, कुछ कुछ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शो यूफोरिया जैसा। 2019 से ये शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। इसकी कहानी मोडेल नाम के स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं ओटिस और मेव। ओटिस की माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट है, जिस वजह से किताबों, वीडियोज और घर में सेक्स को लेकर खुली बातचीत होती है। इसी के चलते ओटिस भी अपने आप में इस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन स्कूल में ओटिस को कोई भाव नहीं देता। स्कूल में पढ़ने वाली मेव को ओटिस की इस नॉलेज के बारे में पता चलता है, तो दोनों मिलकर स्कूल में एक अंडरग्राउंड सेक्स थेरेपी क्लिनिक खोल लेते हैं, जिससे वो अपने स्कूल मेट्स की सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओटिस स्टूडेंट्स को समस्या का समाधान बताता है और मेव उनसे मिले पैसों का हिसाब रखती हैं। इसके अलावा कहानी में ओटिस का दोस्त है एरिक, जो एक गे है। मेव की दोस्त है लिली, जो अपनी वर्जिनिटी लूज करने को तत्पर है। ऐसे कई मजेदार कैरेक्टर्स और फनी तरीके से सीरीज सेक्स से जुड़ी रियल एजुकेशन को भी बांटती चलती है। सेक्स एजुकेशन के अब तक दो सीजन आ चुके हैं। अब नेटफ्लिक्स पर तीसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 3 मिनट लंबे ट्रेलर में इस बार मूडेल स्कूल में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, कैसा है ट्रेलर, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कहानी। अब मूडेल सेकेंडरी स्कूल का नाम चारों तरफ बदनाम हो रहा है। अड़ोस पड़ोस से लेकर मीडिया तक हर जगह मूडेल स्कूल को ना लोग सेक्स स्कूल के नाम से बुलाने लगे हैं। तो इस बदनामी को रोकने और स्कूल को सुधारने नई हेडमास्टर आई हैं। वो तो अपनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन हार्मोनल चेंज से गुजर रहे टीनेज स्टूडेंट्स उनकी इस काम में कोई मदद नहीं करते दिख रहे। पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हुए वॉइस मेल कांड के बाद ओटिस और मेव की बातचीत बंद है, जिस कारण ओटिस भी नई हेडमास्टर के स्कूल को सुधारने के तरीकों पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। लेकिन मेव ने इस नई हेडमास्टर के खिलाफ मोर्चा तो निकाल लिया है। ट्रेलर में जितना दिखा उस हिसाब से लग रहा है कि ओटिस और मेव की लव केमिस्ट्री इस सीजन से शुरू होने वाली है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ओटिस ने मूछें उगा ली हैं। अब इसमें कौन कौन है? एसा बटरफील्ड शो में ओटिस मिलबर्न के किरदार में नजर आते हैं। मेव का कैरेक्टर प्ले करती हैं एमा मैकी। ओटिस की माँ और सेक्स थेरेपिस्ट जीन मिलबर्न का किरदार निभाती हैं जिलियन एंडरसन। नकुटी गठवा एरिक का रोल प्ले करते हैं। कैसा है ट्रेलर? इस बार कहानी में एक तरीके से विलन की एंट्री हुई है। नई तुनक मिजाज हेडमास्टर साहिबा आई हैं स्कूल को सुधारने की कसम लेकर, जिनके खिलाफ मेव बगावत पर उतर आई हैं। ये स्टोरी प्लॉट काफी दिलचस्प लग रहा है। हालांकि इस बार मामला फनी के साथ साथ सीरियसनेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर गंभीरता से बात हो रही है। पिछले दो सीजन की तरह इस बार भी सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास लग रही है। कुल जमावाद शो में मजा आएगा, पॉपकॉर्न रेडी रखो। अब बिहाइंड द सीन्स की बात। सेक्स एजुकेशन के क्रिएटर है लॉरी नन। शो के एपिसोड्स को बेन टेलर, केट हारन, सोफी गुडहार्ट और एलिस सी ब्राइट मिलकर डायरेक्ट करते हैं। शो में सुनाई पड़ने वाला म्यूजिक क्रिएट करते हैं ओली जूलियन। शो की सिनेमेटोग्राफी की है ओली रोसेल ने। कब आएगी सेक्स एजुकेशन का चैप्टर 3? 17 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने लगेगा। तैयार रहिए। इस ट्रेलर रिव्यू को लिखा है हमारे साथी शुभम ने। मैं सोनाली, शुक्रिया।